हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा इन्फिनिक्स S4। ठीक है, ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा प्राइस में आता है, जो कि आपको अंडर 8000 के अंदर आपको मिल जाएगा। और फ़ोन काफ़ी दिखने में अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। आइए इसके देखते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, और साथ में ये बेल बटन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो अपने चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों इसका जो क्वालिटी है, डब्बा का क्वालिटी है, थोड़ा सा ऑर्डिनरी सा लग रहा है, बट इसके अंदर तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में ठीक ठाक से इसने अपने जो कि S4 का डिजाइन मस्त किया है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इसको हम ओपन करने से पहले एक बार देख लेते हैं इसके बैक साइड में। और यहाँ पे आप देखिए 32 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा है, और यहाँ पे 15.79 सेंटीमीटर यानी कि 6.2 HD प्लस वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, साथ में आपको AI ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल, और डुअल 2.5D ग्लास बॉडी है, दोनों तरफ इसके ग्लास बॉडी है, थोड़ा बचा के यूज करना है। XOS जो कि इसके अंदर एंड्रॉयड 9 पाई के साथ ये आता है, लाटेस्ट एंड्रॉयड के साथ, और 4000 mAh की बैटरी देता है, काफ़ी बढ़िया है। इतनी कम प्राइस सेगमेंट के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है, और साथ में मेड इन इंडिया का एक टैग लगा हुआ है इन्फिनिक्स। आई थिंक ये नोएडा में इसका फैक्ट्री है, तो पिछले दिनों एक वीडियो देखे होंगे आपने, टेक्नो रुवेश भाई ने गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वीडियो बनाए थे। तो ये वाला जो फ़ोन है काफ़ी बढ़िया लग रहा है सेल्फी के लिए लगभग आज के टाइम में, और ये फ़ोन इतने सस्ता है। यहाँ पे देखिए जो प्राइस जो है 10,999 ये रखा हुआ फ्लिपकार्ट से, मुझे इसका जो फ्रीडम सेल लगा हुआ है उसके अंदर मुझे पड़ गया था 8,999, जो कि ये 4064 के वेरिएंट में, अगर आपको 3/32 वाला लोगे तो उसमें आपको 8,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा। आइए देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये है इन्फिनिक्स एम्पावर द इन्फिनिटी यू। यहाँ पे हल्का सा इसको रख के फोन को उठा लेते हैं। फ़ोन जो है काफ़ी लाइट वेट लग रहा है, इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है, बट मज़ा आ जाता है पकड़ने में। मैं इसका जो Realme 3 Pro यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा बहुत इसके फ्रंट में से आपको ऐसा लगता है कि Realme 3 Pro जैसा। दोस्तों फ़ोन को थोड़ा साइड करते हैं, इसके अंदर आप देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये जो डब्बा थोड़ा सा ऑर्डिनरी पैकिंग हुआ है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा सस्ते में है तो इसलिए ऑर्डिनरी पैकिंग हुआ है, लेकिन इसी स्पीड पर मत जाइए, फ़ोन को देखिए ना, फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए हल्का फुल्का एक चार्जर है, जो यहाँ पे आपको 2 एम्पेयर का मिल जाता है, 4000 mAh बैटरी के लिए ये आई थिंक 1-1.5 घंटा लग जाएगा चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग इसके अंदर नहीं है, फिर भी काम चला हुए, इतना कम पैसे में हम इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में एक USB पोर्ट है, माइक्रो USB वाला जो है, इसके अंदर तो सी टाइप का आ ही नहीं सकता, माइक्रो USB वाला जो पोर्ट दे रखा है चार्जिंग और USB के लिए। और साथ में यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जो है, पिन एक दे रखा है, काफ़ी बढ़िया पिन लग रहा है, आप इसको दांत भी खुजा सकते हो, कभी खाना वाना फंस जाए दांत में, ये भी बढ़िया से बना के दे रखा है तो इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स एक्स क्लब, ये सुपर कंप्रेसिव एप्लीकेशन के ऊपर, ये जो एक्स क्लब का एप्लीकेशन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके अंदर आपको बहुत सारे फ़ोन का रूट वगैरह, नए नए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ कभी खोना नहीं है, कभी आगे काम आएगा। और कुछ किताबी पढ़ने हैं इन्फिनिक्स का, कुछ डिटेल है आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इन्फिनिक्स X626B जो मॉडल नेम है, इसका यूज़र मैनुअल भी है, तो ये भी आप आराम से देख सकते हो। अब आखिरी में आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इन्फिनिक्स का एक डूडल वगैरह बना रखा है, एक अच्छा सा केस कवर है जो कि ठीक ठाक है, पीछे कुछ डूडल टाइप का बना रखा है, जैसे एरोप्लेन हो गया, एंटीना हो गया, कितना सारा चीज़ जैसे आपको व्हाट्सएप का वॉलपेपर जैसा लग रहा है मुझे, ये काफ़ी बढ़िया ट्रांसपेरेंट एक लगा रखा है, कुछ तो नया है, ठीक है, कुछ तो नया है। चलो इसको यहाँ पे रखते हैं, और लास्ट में आपको एक इन्फिनिक्स की तरफ से स्क्रीन प्रोटेक्टर एक देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया है। तो ये सब रखते हैं एक साइड में, एक बार आप करते हैं फ़ोन को बूट, उनको लॉन्ग प्रेस करके 10 सेकंड के लिए रखना है बस। यहाँ पे इन्फिनिक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड, देखिए XOS चीता, ये जो है लेटेस्ट में है,
यहाँ पे फोन जो है बूट हो चुका है, टॉप साइड में कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक स्पीकर है मैं वाटरडॉप नॉच का, 32 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है। लेफ्ट साइड में आपको दिख जाता है सिम इजेक्टर, यानी कि सिम ट्रे। तो इसको एक बार ऑन करते हैं और यहाँ पे देखिए काफी टाइट है थोड़ा, बट यहाँ पे काफी बढ़िया है। डुअल सिम 4G लगा सकते हैं और साथ में डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड। आपको ये जो है एक स्पीकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे छोटा सा एक माइक रखा हुआ है। यहाँ 3.5 ऑडियो जैक है और ये है USB 4 जो कि चार्जिंग और आप डाटा केबल सेट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको पावर बटन, वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। बैक के अंदर आप चले जाते हैं, बैक में आपको देखने को मिल जाता है, इसको हम उखाड़ फेंकते हैं क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं रहा, इसको हम साइड करते हैं। ग्लास बड़ी है, इसमें आप अपने खुद का शकल भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। ग्लास बड़ी दोनों तरफ दे रखा है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है भैया, 8 या 9 हज़ार के अंदर अंदर ट्रिपल रेयर कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा के साथ आपको फ्लैश देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया है, ग्लास बड़ी इसलिए मेरा फेस इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इन्फिनिक्स का लोगो काफ़ी ज़बरदस्त की तरह लिखा हुआ है और यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये काफ़ी। और अभी फिलहाल हमारा फ़ोन जो है ना ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ये कनेक्ट करने के लिए बोलता है, तो कनेक्शन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर सिम इंसर्ट करना पड़ेगा। बाद में इसका बहुत सारा वीडियो आएगा, आपको अगर ये फ़ोन परचेज़ किए हैं तो बेटर है, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये फ़ोन जो मैं देख के ही मुझे तो पसंद आने लगा है कि इस फ़ोन का मैं प्राइमरी यूज़ करूँगा, रियलमी 3 प्रो को मैं सेकेंडरी फ़ोन करूँगा। ये फ़ोन काफ़ी लाइट लगता है, देखते हैं इसके अंदर नया नया फीचर्स क्या आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे चले जाना है, फेस अनलॉक वगैरह अभी नहीं करना है, स्किप आवे। आई थिंक ये आपको प्योर एंड्रॉयड तो जैसा नहीं लगेगा, लगभग ऐसे ही मुझे सेटिंग लग रहा है। तो देखते हैं 9.0 इसके अंदर प्योर एंड्रॉयड मिल रहा है कि नहीं। अभी मैं रहता हूँ फिलहाल इंडिया में, क्या पता अगले साल कहीं हूँ दूसरे किसी कंट्री में होगा, बट इस साल तो इंडिया में हूँ इसलिए यहाँ पे इंडिया का दे दिया। चलो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट बेस्ट ऑन एंड्रॉयड XOS चीता, वाव XOS लॉन्चर, वाह 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 क्या बात है भैया। इसके 4GB रैम में ये शुरू से कुछ XOS दे दिया और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट में ख़त्म करते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डिजाइन के साथ दिया गया है और फोन जो है लुक जैसा है, उसके अंदर जो इंटरफेस काफ़ी गजब है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाला है इसके ऊपर, तो फिलहाल इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चेक कर लेते हैं। सिस्टम के अंदर गए, यहाँ पे सारी चीज़ इसके अंदर दिखा देता है A to Z, वहाँ फिर एंड्रॉयड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 5 और अबाउट फोन के अंदर जाके एंड्रॉयड वर्सन को अगर क्लिक करते हो यहाँ पे जून के सिक्योरिटी पैच के साथ ही आता है, होप ये जुलाई का अपडेट इसको मिल जाए। यहाँ पे एंड्रॉयड 9 Pie के अंदर आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। देखेंगे हम, ये भी हाइड हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे साइड में एक स्मार्ट चीज़ें देखने को मिला है, ये काफ़ी बढ़िया है और आप ये सब यूज कर सकते हो। दोस्तों ये था इन्फिनिक्स S4 का एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कुछ और इम्प्रूव हो सकता है अपन का जो अनबॉक्सिंग वीडियो में, तो आप ये सब डिटेल बताए देना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।